नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट के डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए दोबारा से, या फिर आपको किसी भी होटल्स में या रेस्टोरेंट में जॉब ट्रेनी के तौर पे ज्वाइन हो जाना चाहिए। कुछ समय पहले तक मन में ये कन्फ्यूज़न रहता था कि भाई मुझे इंडियन खाना बनाना सीखना है, इंडियन शेफ़ बनना है, मुझे कॉन्टिनेंटल शेफ़ बनना है, मैं बेकरी पेस्ट्री में जाता हूँ। बट अब यहाँ पे एक नई दुविधा आप लोगों के मन में आ रही है, जो कि क्रिएट करी जा रही है होटल्स के द्वारा, रेस्टोरेंट्स के द्वारा, जो कि कई ब्रांडेड होटल्स हैं। अब आपसे अगर आप जाते हो उनके पास जॉब के लिए, तो आपको वो अप्रेंटिसशिप के लिए बोलते हैं या फिर जॉब ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ, कुछ समय पहले जॉब ट्रेनी नाम का कुछ होता ही नहीं था, ठीक है जी। ऑलरेडी आपने कोई कोर्स या डिप्लोमा कर लिया होता था, उसके दौरान आपने ट्रेनिंग्स कर ली होती थी और उसके बाद आपकी जॉब लग जाती थी। पर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आगे बीतता जा रहा है, हम लोगों के जो स्किल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और होटल वाले भी नहीं चाहते कि डायरेक्ट आप लोगों को वो सैलरीज पे करने लग जाएँ, वहीं पर फिर वो आपको एज अ जॉब ट्रेनी रखने लग गए हैं। अब यहाँ पे एक नई टर्म्स भी सामने आने लग रही है, अप्रेंटिसशिप। इवन कई सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अभी अप्रेंटिसशिप ही कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी उन्होंने कहीं पे डिग्री कर रखी है। जी हाँ, डिग्री कर रखी है या फिर डिप्लोमा भी कर रखा है, बट जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने डिग्री करी है और वो एक बड़े ही 5-स्टार होटल में वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में भी ऐसी दुविधा होंगी, या फिर अगर आप फ्यूचर में अपने कॉलेजेस को पास आउट हो जाते हैं, डिग्री या डिप्लोमा आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको भी ये सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को देखते हुए सब के सब होटल या रेस्टोरेंट अडॉप्ट करते हैं। पहले जॉब ट्रेनिंग कुछ नहीं होता था, कॉमी 3 ट्रेनिंग हम लोगों को दिया जाता था, जैसे कि मैंने कॉमी 3 की ट्रेनिंग करी है और उसके बाद मुझे कॉमी 3 बन गया था। मैं 6 महीने की ट्रेनिंग थी, उसके बाद मुझे कॉमी 3 उन्होंने दे दिया था। जब मैं ट्रेनिंग कॉमी 3 था, उस समय मुझे सैलरी मिल रही थी। जब मैं एक प्रॉपर कॉमी 3 बन गया, तो मेरी 200-300 रुपये सैलरी बढ़ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप होटल्स में जा रहे हैं, होटल्स वाले आपको बोलते हैं कि भाई हम आपको अप्रेंटिसशिप रख लेते हैं, तो यहाँ पे इन सब टर्म्स को मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी जस्ट ये मेरे सजेशंस ही हैं, करना ना करना आप लोगों के ऊपर ही है। जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब में को असाइन करने से पहले आपको कुछ ट्रेनिंग्स दी जाएं, ताकि आप उस जॉब को सही ढंग से परफॉर्म कर पाएं। अब अगर आप देखोगे, कई सारे होटल्स होते हैं जहां पे कि आपने कुछ भी नहीं किया होता, तब भी आपको जॉब ट्रेनिंग रख लिया जाता है। आपके होटल में कुछ जान पहचान हैं, आपके मामा चाचा कुछ हैं, तो आपको होटल वाले बिना किसी डिग्री या डिप्लोमा के भी जॉब ट्रेनी रख लेंगे, और उसके बाद उनको वो पर्टिकुलर पोजीशन दे देते हैं। अभी भी ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि भाई उसने तो बिना डिग्री डिप्लोमा करे हुए उसको तो कॉमी 3 मिल गया, कॉमी 2 मिल गया। वो उसके सोचने का तरीका है, आप अपने लिए सोचिए, अपने लिए सब सोचिए। जब आप अपने लिए सब सोच लेंगे, तो सबका वैसे ही भला हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप होता है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से और होटल की तरफ से दोनों मिलके एक साझा प्रोग्राम होता है, जिसमें कि किसी भी कैंडिडेट को रखा जाता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उनको एज अ वर्कर ही वहाँ पे काम करना पड़ता है। जैसे मैंने खुद ही अप्रेंटिसशिप करी है, 3 साल की मैंने अप्रेंटिसशिप करी थी, जिसमें कि मैंने एक फ्लाइट किचन के अंदर सारे के सारे काम किए, और जो भी हमसे हमारे जो शेफ़ या कॉमी शेफ़ जो उस समय होते थे, जो भी वो बोलते थे, हम उनको एज अ हेल्पिंग वहाँ पे काम करते थे। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये भी आते हैं कि भाई मुझे तो शेफ़ बनना है, मैं किस होटल में जाके काम करूँ, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई तुम जाके कॉलेज में काम करो, जो कि एक सही तरीका है। डायरेक्ट ट्रेनिंग के द्वारा कोई शेफ़ नहीं बन जाता, आपको किसी ना किसी कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ेगा, जहाँ से कि आपको कोई एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने का मतलब होता है कि भाई आप एक वेरीफाइड क्वालिफाइड फूड प्रोडक्शन या कलनरी आर्ट्स किसी में भी आपने शिक्षा हासिल करी है, उसके बाद किस लेवल पर जाना है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की बात हो गई, ठीक है जी, यहाँ पे दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब अगर आप किसी भी होटल में जा रहे हैं और आपको बोला जाता है कि आपको अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन करना है, तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 साल का पीरियड अभी जनरली सब होटल्स वाले कर रहे हैं, 2 साल के लिए वो बोलते हैं कि हम आपको रख लेंगे वहाँ पे। अब जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो, तो जो आपको सैलरीज मिलती है काफ़ी कम मिलती है, जॉब ट्रेनिंग में आपको ज़्यादा मिलती है। हो सकता है कि उल्टा भी हो, डिपेंड करता है कौन से ब्रांड पे हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक 3 साल की डिग्री की है, जी हाँ,
अगर आपने एक 3 साल की डिग्री कीजिए तो आपको जॉब ट्रेनिंग ही जानी चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप अगर आप जाओगे तो अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की ट्रेनिंग ही है, एक प्रकार का डिप्लोमा ही है जो कि ऑलरेडी आपने कर लिया है। जैसे कि मैंने अप्रेंटिसशिप करी थी, मैंने कोई डिप्लोमा तो नहीं करा था, पर अप्रेंटिसशिप भी एक डिप्लोमा है। अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई आपने तो अप्रेंटिसशिप कर ली और अब आप डिप्लोमा कर लो, तो उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। अभी एक बच्चे ने, दुर्वेश ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली है तो आपने ऑलरेडी एक डिप्लोमा कर लिया है, अब आपको दोबारा किसी डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं। वहीं अगर आपने 3 साल की डिग्री कर ली है तो आपके पास ऑलरेडी एक कोर्स हो चुका है, तो आप दोबारा कोर्स क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पर आपको जॉब ट्रेनिंग जाना चाहिए। पर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है जो कि 6 महीने का था या 1 साल का था, 1.5 साल का था, अब अगर आपको जॉब ट्रेनिंग मिल रही है, अप्रेंटिसशिप मिल रही है, तो आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको दोनों मिल रही हैं तो आपको जॉब ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जॉब ट्रेनिंग को आपको हमेशा प्रेफरेंस देनी है। अगर आपने 3 साल का किया है या 4 साल का किया है, वहीं अगर आपने 1 साल का, 1.5 साल का किया है, तो आपको अगर अप्रेंटिसशिप मिल रही है, जॉब ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो आपको अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है। क्योंकि जिन्होंने भी 1 या 1.5 साल का डिप्लोमा किया होता है, उनके स्किल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो यही मेरी राय है आप लोगों के लिए। अगर आप 3 साल का कर चुके हैं तो जॉब ट्रेनिंग के लिए ही जाइए, ठीक है जी। अगर आपने 1.5 साल का किया है तो आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने भी अप्रेंटिसशिप करी थी, ठीक है, और क्या कहते हैं, मुझे 3 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे हैंड ऑन आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसके अलावा आप हमें हमारे समय पे वीक में 2 बार हम लोगों को पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में वहाँ पे जाना पड़ता था। वहाँ पे हमारे जो भी थ्योरी वाला पार्ट होता था, लेक्चर वाला पार्ट होता वो होता था, बाकी होटल्स के अंदर हमको प्रैक्टिकली 9, 10, 12, 14 घंटे काम करना पड़ता था, जो भी हमारे शेफ लोग बोलते थे। तो यही सारी सिचुएशंस होती हैं। अभी बड़े होटल्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है कि वो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप रख रहे हैं, डायरेक्ट आपको जॉब पे नहीं रख रहे हैं, और सेम ये धीरे धीरे करके बाकी होटल्स भी अपनाते जाएंगे। एक नया कल्चर आ चुका है, जैसे जॉब ट्रेनिंग का पहले कल्चर आया था कि हर कोई जॉब ट्रेनिंग रख रहा था, अब वहीं वो आप लोगों को अप्रेंटिसशिप लग रहे हैं, एक दूसरे को देख के लोग सीख रहे हैं और वही चीज़ें फिर आगे बढ़ रही हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे लिखिएगा, मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।